कि उन्हां बैरीगेटां दे नाल सानू इन्नी सहूलत सीगी शहर दे अंदर कि दिवाली वाले दिन भी इत्थे जाम नहीं लग्गिया सीगा उन्हां बैरीगेटां दी वजह तों। ते हुण जिवें देखिया गया अज डैम दे उपर काफ़ी बैरीगेट तोड़ दिते गए। प्रशासन नूं भी मेरी निमरता से एक बेनती है कि जिहड़े डिवाइडर है ये चाहे साडी संस्था वालों असी जिहड़े नंगल दे जिन्ने भी नंगल हितेशी व्यक्ति है उन्हां वालों कट्ठे पैसे करके जिहड़े लाए गए सीगे उन्हां दी जिहड़ी दुर्दशा लोकां वालों ते शरारती अंसरां वालों की गई है वह बिल्कुल ही बहुत ही बुरी चीज़ है। इस करके प्रशासन नूं भी बेनती है कि जिहड़े भी इस चीज़ चाहे डिवाइडर तोड़न की गल होवे चाहे रस्सियां कई बंदे तां तुहानूं दसना चाहना रस्सियां भी चोरी करके लै गए असी रस्सियां 3-4 हज़ार दियां साडी मोटी रस्सियां लाइया सी वह भी चक के लै गए इहो जिहा स्तर आ चुका कुछ लोगों का। बट कोई नहीं फिर भी प्रशासन को बेनती है कि आने वाले दिनों में थोड़ा सख्ती नाल पेश आन क्योंकि इस दे नाल जिहड़ी सहूलत है समूह लोगों को होंदी है। अगर प्रशासन सख्ती करेगा तो मेरा यह मानना है कि लोग भी उस दे नाल खुश होणगे लोगों के प्रशासन के प्रति कोई नफरत की भावना नहीं जाती। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिटी हलचल, मैं हूं आपके साथ अशोक चोपड़ा। नंगल में निर्माणाधीन फ्लाईओवर का कार्य बहुत ही धीमी गति से चला होने और बार बार रेल क्रॉसिंग फाटक के बंद हो जाने से लगने वाले लंबे लंबे जामों से निजात दिलाने हेतु समाज सेवी एडवोकेट निशांत गुप्ता ने दिवाली से पहले NFL चौक से लेकर श्री अनंतपुर साहिब हाइडल नहर के पुल तक डिवाइडर लगाकर ट्रैफिक को वन वे कर दिया था और उसका नतीजा यह रहा कि जाम न लगने के कारण शहर में दिवाली पर्व भारी भीड़ बार देखने को मिली थी। लेकिन आज हालात ये हैं कि कड़ी मेहनत के साथ और क्षेत्र वासियों के सहयोग से लगाए गए इन डिवाइडरों को रात के अंधेरे में गाड़ी चालकों ने तहस नहस कर दिया है और आज उसी का नतीजा है कि फिर से शहर में लंबे लंबे जाम से लोग परेशान हो रहे हैं। समाज सेवी निशांत गुप्ता ने कहा कि इन डिवाइडरों के कारण शहर की दिवाली बहुत ही अच्छी निकली थी लेकिन रात के अंधेरे में वाहन चालक खासकर हिमाचल से आने वाले वाहन चालक इन डिवाइडरों को तोड़कर चले गए जिससे हालात फिर से जाम वाले बने हुए हैं। लेकिन अब स्थानीय विधायक से मिलकर इन डिवाइडरों को पक्के तौर पर लगाया जाएगा। क्या कहा एडवोकेट निशांत गुप्ता ने सिटी हलचल से बात करते आप भी सुने। इधर तो सब तो पहला मैं एक चीज़ कहनी चाहूँगा कि उन्हां बैरीगेटा दे नाल सानू इन्नी सहूलत सीगी शहर दे अंदर कि दिवाली वाले दिन भी इत्थे जाम नहीं लग्या सीगा उन्हां बैरीगेटा दी वजह तों। ते हुण जिवें देखिया गया अज डैम दे उपर काफ़ी बैरीगेट तोड़ दिते गए ने तकरीबन सारे ही मतलब कि कुछ उखड़ भी गए ने क्योंकि डैम दे विच कंक्रीट काफ़ी वधिया मात्रा दे विच पाया गया इस करके उन्हां दे उपर किल्लां ज़्यादा खड़दियां नहीं है इस करके भी वह थोड़े उखड़ चुके ने। हुण असीं प्रशासन नाल राबता कायम करके सरदार हरजोत सिंह बैंस जी के दिशा निर्देश अनुसार आने वाले दिनों में उन्होंने बजरी नाले सीमेंट भर के जिस दे नाल वो जिहड़ा असी डिवाइडर लाए है वो डिवाइडर एक 300-300 ग्राम का है सीमेंट नाले बजरी भरन तो बाद उसका वेट जिहड़ा 10-10, 12-12 किलो हो जाता है। अज की डेट से जिहड़े डिवाइडर है वो हवा नाल भी गिर रहे हैं जिहड़े किल्लां दे नाल नहीं अटैच ग्राउंड दे विच मतलब डैम दे विच किल्लां नहीं लगदियां इस करके आने वाले दिनों में असीं उन्हां दे विच बजरी सीमेंट भर के उन्हां नूं बिल्कुल पक्के तौर नाल लावांगे जिस दे नाल एक तो लोगों की सहूलत जिदा पहला सीगी वो बनी रहेगी तो जो अज जो जाम लग रहा है उस जाम तो भी निजात मिलेगी। मेरी समूह अपने नंगल वासियों तो खास करके नंगल के आले दुआले अपने आनंदपुर साहब वाले पास रहने वाले लोगों तो हिमाचल तो आने वाले राहगीर मेरी हथ बन के अपील है कि जेडे असी डिवाइडर लाए ने असी अपनी सहूलत वास्ते नहीं लाए असी तुहाडी सहूलत वास्ते लाए ने क्योंकि साडियां धीआं साडे भरा छोटे जद भी स्कूल जाते हैं स्कूल तो घर आते हैं उन्होंने 2-2 घंटे उत्थे डैम दे विच खड़ना पैंदा उन्हां दी बसां हो जाण कोई मरीज जिन्हें हिमाचल तो जिहड़ा PGI रैफर हुंदा उन्हूं खड़ना पैंदा है कई बार कई अनसुखावी घटना घट जांदियां ने कि डैम दे विच रश दी वजह तों गड्डियां नहीं लंघ पाउंदियां एंबूलेंसां। इस करके सारयां नूं हथ बन के बेनती है कि जिहड़े डिवाइडर लाए जांदे है जां अगे वी लगाए जाणगे उन्हां नूं बिल्कुल ना तोड़न ते ओह तुहाडी सहूलत वास्ते ने ते बिल्कुल अपनी लेन दे विच चलन जिहदे नाल तुहाडी भी सहूलत बनी रहे ते प्रशासन नूं भी ज्यादा दिक्कत ना होवे। हर वारी लोकां नूं अपील करदे किते ना किते लोकी नहीं मंनदे इहनूं तुसीं किदां लैंदे? चलो जी साडा फर्ज है माली दा काम है मशका पाउणा भर भर मशका पावे मालक दा काम फल फुल लाणा लावे जाना लावे साडा तां असीं तां लोकां दे सेवक हाँ असीं तां उहनां नूं अपील ही कर सकदे हाँ इस करके असीं हुण वी उहनां नूं अपील करदे हाँ। बाकी जिहड़ी जनता है क्योंकि कोई भी अगर असीं इनिशिएटिव लैके आउंदे हाँ उह लोकां दी साथ तों बिना सफल नहीं हो सकता इस करके फिर तो एक बार मैं हाथ बन के लोगों को अपील करदा कि जरूर साडा साथ दो इस साथ दे नाल एक तो साडे शहर दे विच आवाजाही तो बधेगी उस दे नाल नाल जिहड़ी खज्जल खुआरी है वो उस तो भी सानू निजात मिलेगी। प्रशांत जी तुसीं
इस चीज़ में कितने देख दो कि पुलिस प्रशासन उत्ते खड़ा होंगे है फिर भी लोग डिवाइडर तोड़ जाते हैं तो क्या कार्रवाई नहीं कोई बनती उन्होंने प्रशासन को भी मेरे वालों अपील है कि प्रशासन भी असी भी मैं भी काफ़ी वीडियोज़ भी दिखाई हिमाचल वाली गड्डिया भी काफ़ी हैं जिहड़ियां डिवाइडर तोड़दियां ने रस्सियां तोड़दियां प्रशासन भी मेरी निमंत्रता सहित बेनती है कि जिहड़े डिवाइडर है यह चाहे साडी संस्था वालों असी जिहड़े नंगल दे जिन्ने भी नंगल हितेशी व्यक्ति है उन्हां वालों कट्ठे पैसे करके जिहड़े लाए गए सीगे उन्हां दी जिहड़ी दुर्दशा लोकां वालों ते शरारती अंसरां वालों की गई है वह बिल्कुल ही बहुत ही बुरी चीज़ है। इस करके प्रशासन भी बेनती है कि जिहड़े भी इस चीज़ चाहे डिवाइडर तोड़न की गल होवे चाहे रस्सियां कई बंदे तां तुहानूं दसना चाहना रस्सियां भी चोरी करके लै गए असी रस्सियां 3-4 हज़ार दियां साडी मोटी रस्सियां लाईआं सी भी चक के लै गए इहो जिहा स्तर आ चुका है कुछ लोगों का बट कोई नहीं फिर भी प्रशासन को बेनती है कि आने वाले दिनों में थोड़ा सख्ती नाल पेश आन क्योंकि इस दे नाल जिहड़ी सहूलत है समूह लोगों को होंदी है अगर प्रशासन सख्ती करेगा तो मेरा यह मानना है कि लोग भी उस दे नाल खुश होणगे लोगों के प्रशासन के प्रति कोई नफरत की भावना नहीं जागेगी। थोड़ा की लगता है प्रशासन को की करना चाहिए कि लोग डिवाइडर ना तोड़न दोबारा फिर लाने की गल कर रहे हो? सब तो पहली गल तो प्रशासन को जोड़े भी मतलब कि डिवाइडर तोड़ देने या लंघना करते हैं उन्होंने सब तो पहला चलान कटने चाहिए है भावें मैं भी अगर कभी रोंग साइड आना तो मेरा प्रशासन को खुली बेनती है कि मेरा भी चलान करन असं कहने कि असी समाज बदलना समाज बदलने की सब तो पहली शुरुआत अपने तो होंगी है इस करके मैं अपने आप में भी मोहरे रख के ये गल कहना प्रशासन को कि अगर मेरे वालों भी कभी कोई गलती की जाती है तो सब तो पहला चलान मेरा कटिया जाए उस तो बाद फिर लोगों की असं देखा। उधर जब इस बारे में जानकारी लेने हेतु थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर दानिशवीर सिंह से संपर्क किया तो उन्होंने भी माना कि नंगल डैम पर पुलिस की तैनाती होने के कारण नंगल डैम के डिवाइडर तो नहीं टूटे लेकिन NFL चौक से लेकर नंगल डैम तक के सभी डिवाइडर वाहन चालकों द्वारा तोड़ दिए गए हैं। हालांकि यह डिवाइडर वाहन चालकों की सुविधा के लिए ही लगाए गए थे। उन्होंने सिटी हलचल के माध्यम से वाहन चालकों से ऐसा ना करने की अपील करते हुए कहा कि अगर कोई भी वाहन चालक आगे से ऐसा करता पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। क्या कहा थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर दानिशवीर सिंह ने सिटी हलचल से बात करते आप भी सुने। सर एक डैम ते लगाए सी ट्रैफिक कंट्रोल वास्ते डिवाइडर वो लोगों वालों तोड़ दिते गए ने की कहना चाहोगे जी? ये जिहड़ा लाए गए सीगे जिते भी उरे सारे लोगों वालों जिहड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करके जिहड़ा एक बहुत वधिया स्टैप लिया गया सीगा तां कि सिंगल लाइन जिहड़ा चल सकन उदों बहुत फर्क भी पिया ट्रैफिक तों नजात भी मिली सी ते पर जिहड़े रात नूं जिहड़े ट्रक आउंदे ने या होर गड्डियां जिहड़ी हैगियां ने हैवी व्हीकल ने कमर्शियल व्हीकल ने उह जिहड़े उहनां दे उत्ते चढ़ जांदे आ उहनां नूं दिखदा नहीं हैगा क्योंकि हाइट ते हुंदे आ तां मेरी अपील आ उहनां नूं कि काइंडली भी जिहड़े बहुत शहर के लोगों ने मेहनत करके अपना जिहड़ा खून पसीने की कमाई हैगी लवाए ने उह तो काइंडली मेरी बेनती है थोड़ा जिहा ध्यान रखो तो जिहड़े जो भी ट्रैफिक साइनस दिते हुए ने तुहानूं वन वे करके उही फॉलो करो एक दूजे नूं ओवरटेक ना करो क्योंकि डैम ते जिहड़ा आपां एक दूजे नूं जद ओवरटेक करन की कोशिश करते हैं उदों जिहड़ा जाम की स्थिति बन जाती है। जाम तो देखो घट सकता अपने ही जे आपां अपने आप नूं काबू कर लईए हरेक नूं बंदे नूं काली है कि मैं पहला पहुंचा उस चक्कर जे एक दूजे नूं ओवरटेक करदे आ गड्डियां फस जांदियां किसी दी गड्डी आपस च कलैप्स हो जांदी है जे गड्डी लग गई उत्थे लड़न लग पैंदे आ जाम लग जांदा है तां इह छोटी छोटी जी दिक्कतां हैगियां ने तुसीं अपना काइंडली जिहड़ा हैगा अपने आप नूं सही करो पहलां जाम की स्थिति आप ठीक हो जानी है। जिहड़े डिवाइडर हैगे ने इहनां दा भी ध्यान रखो इहनां दे उत्ते गड्डी ना चढ़ाओ काइंडली अजे जिहड़े डैम दे उत्ते लगे हुए ने बिल्कुल सही ने तो वो साडे मुलाजम भी उन्होंने देख रेख रखते हैं क्योंकि उत्थे हरेक टाइम मुलाजम होंगे हैं तो जिहड़े डैम वाले वो सही ने जिहड़े पिछे सीगे वो तो इधर चीफ तो अगे सीगे वो भी वो तोड़ दिते गए ने लोगों वालों तो उन्होंने भी कोई ना कोई इंतजाम करावांगे पर फिलहाल तुसीं जो लगे हुए ने डैम के उत्तर तो खास करके जिहड़ा सिंगल लाइन रखो ता करके जिहड़ा फ्रीक्वेंटली जिहड़ा ट्रैफिक अपना चली जाए। सिटी हलचल के लिए नंगल से करण चोपड़ा की रिपोर्ट। अजोली मार्केट में खुल गई है चश्मों की नई दुकान वशिष्ठ ऑप्टिकल। यहां आपको मिलेंगे हर तरह के ब्रांडेड चश्मे वो भी बाजार से काफी कम दाम पर। नजर के चश्मे लगवाने वालों की नजर पहले अति आधुनिक मशीनों से निशुल्क जांच करने के उपरांत ऑटोमेटिक मशीनों से तैयार चश्मा चंद मिनटों में ही उपलब्ध करवाया जाता है तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। हमारा पता नोट करें वशिष्ठ ऑप्टिकल नंगल संतोषगढ़ मुख्य मार्ग निकट गोल्डन पैलेस अजोली मोड़ जिला उन्ना। हमारा फोन नंबर 99155 84190।